नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूं इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज कुछ बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, केंद्र सरकार से जुड़ी, मोदी सरकार से जुड़ी कुछ बातें मैं आज की इस वीडियो में करने वाली, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके के हालात हम लोगों ने देखे पिछले 2 महीनों में, क्योंकि हालात कुछ इस तरीके से थे कि ये बात कि आपने और या मैंने किसी ने पूरे देश में अपने कोई जानने वाला ना खोया हो इस बार इस दूसरी लहर में, ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ इसी की बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरा देखें इस वीडियो को, और अगर आप लोगों ने ये चैनल जो कि द सुनामी के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, अब हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं। जिस तरीके से हम पिछले दो महीनों में हमने देखा कि त्राहिमाम की स्थिति थी, जिस तरीके से, और लोग पुकार रहे थे किस तरीके से कोई आगे मदद करे, गुहार लगा रहे थे ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, सारी चीज़ें की ब्लैक मार्केटिंग रेमडेसिविर की हो रही थी, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, तमाम चीज़ें उस दौर में हुई, गंगा में लाशें हमने देखी। लेकिन अब की स्थिति, अब जो स्थिति है वो बेहतर पिछले कुछ दिनों से, वो भयावह दृश्य नहीं देखने को मिल रहे, वो तस्वीरें नहीं आ रही हैं। तो क्योंकि स्थिति दोबारा से ठीक हो रही है, थोड़ी थोड़ी लोग समझ रहे हैं, केसेस आना कम हुए हैं, मौतों का जो स्तर है, जो दर है वो कम हुआ है, तो अब दोबारा से एक इमेज बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया गया है। अब आप, मैं पिछले कई दिन से ट्विटर पे देख रहा हूँ कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, इस तरीके की चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं ट्विटर पे, और तो वो इमेज बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अमित शाह का ये बयान आप देखें, अपनी स्क्रीन पर लगा दिया मैंने। अमित शाह का कहना ये है कि कोरोना काल की ये जो दूसरी लहर थी, कोविड-19 की ये जो दूसरी लहर थी, इसको कंट्रोल करने में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसको कंट्रोल करने में हम कामयाब रहे। तो इसे कंट्रोल कहा जाता है क्या इस तरीके, क्योंकि दूसरी लहर का जितना प्रभाव भारत पे पड़ा उतना शायद है कि किसी देश पे पड़ा होगा, तो इसे क्या कंट्रोल करना कहा जाता है। सबसे निचले स्तर पे भारत की जीडीपी ग्रोथ पूरे एशिया में, इसे कंट्रोल करना कहा जाता है क्या। जितना प्रभाव भारत पे पड़ा दूसरी लहर का, किसी दूसरे देश पे नहीं पड़ा, एक साल का लंबा समय था, लेकिन आपने कोई तैयारी नहीं करी उसमें। आप तैयारी कर रहे थे बंगाल चुनाव की, अब आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, और आप कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप कामयाब हुए। इतनी मौतें हुई हैं सर, इतनी मौतें हुई हैं जनाब, कि आपने या मैंने, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे देश में किसी ने अपने जानने वाले को ना खोया हो, अपने या कोई दूर का या कोई करीबी ना खोया हो। तो ये किस तरीके से आप कहते हैं, किन लोगों से आप सलाह मशवरा करके ये बात, ये ऐसे बयान देते हैं कि आप इसको कंट्रोल करने में कामयाब हुए। और कितनी मौतें होती तो आप कहते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाए, कितनी मौतों का आप आंकड़ा जब छूता तो आप कहते हैं कि हाँ हम लोग इसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए। इतनी मौतों के बाद भी आप जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसको कंट्रोल कर लिया। बांग्लादेश जैसे देश, छोटे देश जैसे भी, उससे भी बदतर हालात इस देश में इस समय हैं। महंगाई चरम पर है, 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी सर इस दूसरी लहर में, और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल कर लिया आप लोगों ने। किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को, या कितनी मौतें होती हैं तो आप कहते हैं कि हाँ हम कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाए, ये हमारी सरकार की विफलता है। कब कहेंगे आप ये चीज़, कम मानेंगे आप अपनी गलतियां। तो देश के ये हालात हैं, और सिर्फ बात केंद्र सरकार की नहीं है, बात सभी सरकारों की है। राजस्थान की आप स्थिति देखें तो वहां किस तरीके से वैक्सीन की बर्बादी की गई, कूड़ेदान में वैक्सीन पाई गई राजस्थान में, और पंजाब सरकार वैक्सीन को बेच रही है निजी अस्पतालों को, जो वैक्सीन देश की जनता को मुफ्त में लगनी थी वो निजी अस्पतालों को
अब बेची जा रही हैं, 400 की वैक्सीन 1000 में बेची गई, फिर वो 1000 की वैक्सीन 1500 में लगी वहाँ के लोगों को। तो ये हालात है इस समय देश में, आपदा में अफसर सभी सरकारें खोज रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, आपदा में अफसर सभी सरकारें खोज रही हैं। इस तरीके के हालात देश में हैं, और उसके बाद अमित शाह जैसे लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने इसको नियंत्रण में रख लिया, हम लोग इसको नियंत्रण में रखने में कामयाब हुए। हाहाकार मचा हुआ था सर, त्राहिमाम हो रखी थी देश में, उस समय आप दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आपका ट्विटर खोल दे तो आई ट्वीट आपने कोरोना को लेकर नहीं किया है, किसी संवेदना व्यक्त नहीं की है किसी भी परिवार को, पर आज आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसको नियंत्रण में रख लिया। गृह मंत्री होने के नाते आपने कोरोना काल में देश के लिए क्या किया? बंगाल में रैलियां करने के अलावा कुछ भी नहीं किया सर। तो किस जिम्मेदारी के नाते और क्या जिम्मेदारी लेते हुए आप ये बात कह रहे हैं कि आपने इसको नियंत्रण में रख लिया? उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के बाद 1600 मौतें होती हैं टीचरों की, शिक्षकों की 1600 मौतें होती हैं, और उसको आप 3 साबित कर देते हैं ताकि मुआवजा ना देना पड़े। ये हालात हैं आपके उत्तर प्रदेश सरकार के, और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने नियंत्रण कर लिया। आंकड़ों को छुपाना नियंत्रण नहीं होता है सर, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो लोगों ने देखा है वो आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। जमीनी स्तर पर जो हालात लोगों ने देखे हैं वो आंकड़ों में नहीं है। जमीनी स्तर पर जब लोग अपनों को खो रहे थे वो चीजें आपने नहीं देखी हैं। 4 कंधे नहीं मिल रहे थे सर लोगों को कि अंतिम यात्रा के लिए, 4 कंधे नसीब नहीं हुए। अंतिम यात्रा किस तरीके से की गई, कईयों को अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। गंगा में किस तरीके से हमने बहती हुई लाशें देखी हैं। तो ये हालात थे देश में, और आप कह रहे हैं कि हमने नियंत्रण कर लिया इस पे, हमने कंट्रोल कर लिया समय रहते। थोड़ी सी सर जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, थोड़ी सी जिम्मेदारी लेंगे, गलतियों को मानना सीखेंगे और उससे उभर के आएंगे, तब मानवता नाम की सर कोई चीज ही नहीं दिखाई देती है। ये हालात हैं इस समय देश में, मैं सबकी बात कर रहा हूं, राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार, क्योंकि एक साल का लंबा समय, लेकिन किसी भी सरकार की, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, किसी की भी ये तैयारी नहीं थी कि अगर दूसरी लहर आ जाएगी तो हम उससे कैसे, उसका कैसे सामना करेंगे, किस तरीके से सामना करेंगे। किसी भी सरकार की ये तैयारी नहीं थी। सेंट्रल विस्ता जरूरी है, चुनाव जरूरी है, और जब इस तरीके के हालात आते हैं तो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उससे कैसे उभर के आना है वो चीज़ें सोचनी ही नहीं। लेकिन अब जब स्थिति ठीक हो रही है तो उसका हम श्रेय जरूर लेंगे कि हाँ हमने कंट्रोल कर लिया। इसे कंट्रोल करना नहीं कहते सर, क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया, अपने परिजनों को खो दिया, वो इस बात से सहमत नहीं है कि अमित शाह हमारे देश के गृहमंत्री आके ये बोले कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने कोरोना की ये स्थिति, कोविड काल की ये जो दूसरी लहर है इसको कंट्रोल कर लिया, इसको नियंत्रण में रखे हुए हैं। इस तरीके से नियंत्रण सर 21 दिन में ये आप युद्ध खत्म करने वाले थे, लेकिन आज ये हालात हैं। वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन आप देशों में भेजते हैं, वाहवाही लूटते हैं, देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। 35 करोड़ का बजट बनाते हैं और कहते हैं कि हम 35 करोड़ का बजट वैक्सीन के लिए बना रहे हैं, वाहवाही लूट लेते हैं, लेकिन वो 35 करोड़ रुपए गए कहाँ, उसका आपके पास जवाब नहीं है। कैसे कंट्रोल किया सर आपने, किस तरीके से कंट्रोल किया है? क्या मौतें होने को कंट्रोल करना कह रहे हैं क्या आप? क्योंकि अब इससे ज़्यादा कितनी मौतों का आप इंतजार कर रहे थे? दोस्तों ये हालात हैं, कुछ ये सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ, जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।